ठीक है चलो काम ओके। एक और चला लो, एक का चला के लेके आ जाओ। अरे चलाओ साहब, एक्सीडेंट हुआ तो ट्रैक्टर बंद हो गया। वो ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ, वो साजिशन किसान आंदोलन में चलने वाला ट्रैक्टर बंद हुआ है। आप यहाँ पे एक बालू का क्षेत्र है, ट्रैक्टर सड़क पर हाईवे पे नहीं चल सकता। अगर खेत का औजार उस ट्रैक्टर के पीछे है तो ट्रैक्टर सड़क पर चल सकता है, अपने खेत में चल सकता है। ये पाबंदियां सरकार अगर लगाना शुरू करोगी तो क्या चल दोगे? एक ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे, तीन चार ट्रैक्टर यहाँ पे थे। आलू का क्षेत्र बताते हो, हर घर में ट्रैक्टर है। अगर डरोगे तो ये बंधन बना के आपको नहीं छोड़ पाएंगे। इन बंधनों से मुक्ति अगर चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई अमर होकर नहीं आया यहाँ पे कि 700 साल तक हमको जीवित रहना है, कोई अमर होकर नहीं आया। एक आंदोलन देश में फिर होगा, बड़ा आंदोलन होगा। कैडा आंदोलन होगा आपके बराबर में तो हाईवे है, इनकी मत के ट्रैक्टर अंदर आपके कोल्ड स्टोर में रखा गया आलू, यहाँ का कोल्ड स्टोर मालिक आपके खिलाफ हो जाए, आंदोलन छेड़ो। अब तक 50 साल तक देश की आजादी, 70 साल आपने ठीक कट गया, जब आंदोलन देश आजाद हुआ 35 साल बाद में ही ये किसान आंदोलन का गठन हो गया था। तो जिस आंदोलन से जुड़े हुए 35 साल इस किसान के ठीक कटे, लेकिन यहाँ की जो 17 की सरकारें आई, जो व्यापारियों की सरकार है, जो बड़े उद्योगपतियों की सरकार इसमें चाहती है, इनके खिलाफ आंदोलन करने पड़ेंगे। और ये वो क्षेत्र है पूरा जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, ये गोखला जैसे क्षेत्र थे, इसी क्षेत्र के रहने वाले थे जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां पिछले 1200 साल से, हजारों साल से वे लड़ाइयां इन्हीं क्षेत्रों ने लड़ी। ये वही क्षेत्र थे, हम उनकी कहानी किससे भूल गए? बच्चों ने बुजुर्गों में बैठना बंद कर दिया तो कहानी किससे सब भूल गए? अब सब मोबाइल में और दूसरी चीजें देखते हैं। अग्निवीर 4 साल में नौकरी करके जब रिटायर होकर वो घर आएगा तो बाबा कहेगा कि मेरा लड़का तो अभी नौकरी पे है लेकिन मेरा पोता रिटायर हो गया, मैं दावत कर रहा हूं। मेरा बाप नौकरी पे रहेगा और लड़का रिटायर होकर, पोता रिटायर होकर अपने घर आ जाएगा, क्या करोगे 4 साल में? मुजफ्फरनगर में साजिशन के तहत मुजफ्फरनगर में पहली 20 दिन की अग्निवीर भर्ती की, ये दिखाने के लिए कि मुजफ्फरनगर में हम सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे अग्निवीर का, और मुजफ्फरनगर से ही हमने भर्ती करी। 20 दिन वहां पर भर्ती चलाई, हमने भी वहां पर पूरा संगठन के लोग ने जो बच्चे वहां पर जाते थे उनके लिए लंगर चलाया। प्रदेश के लोग पूछते थे आप तो विरोध करते हो और आपने लंगर क्यों चलाया? हमने सरकार की पॉलिसी का विरोध किया, भर्ती होने आए जो बच्चों से विरोध नहीं है। यह अपना दिखाना चाहती है सरकार कि हमने इतनी भर्तियां कर दी क्योंकि 4 साल में रिटायर होते रहेंगे, भर्ती करते रहो। और घबराने की जरूरत नहीं, ये टीचिंग लाइन में भी अग्निवीर आएगा और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं अब सब खत्म होगी, सब अग्निवीर आएंगे। जितने भी दूसरे स्कूल यूनिवर्सिटी इस हमारे सब संघ के बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वे सब उसमें आ गए हैं। आईएएस टॉप पर कह जाते थे कि बच्चा पढ़ रहा आईएएस बनेगा, अभी 50 से ज्यादा है बगैर एग्जाम के आईएएस बना दिए गए और 450 बनने हैं। अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ संघर्ष होगा देश में, आंदोलन, उसी से ये देश बचेगा। ये कितने दिन संघर्ष चलेगा? देश की आजादी जब मिली तो 90 वर्ष आंदोलन चलेगा,
ये 2021 से शुरू हुआ आंदोलन जो संघर्ष में बदला है, ये कितने दिन चलेगा, कब इस किसान को, मजदूर को, आदिवासी को, महिलाओं को आजादी मिलेगी, इसका हमको नहीं पता था। लेकिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, तरह तरह के लोग लगा रखे हैं, मोबाइल पर फोन पर बातचीत करते हैं, कोई भी जवाब उनको देते हैं तो उसको सार्वजनिक करते हैं, मनोबल डाउन करते हैं। इनका आईटी सेल सुइया किसानों का नुकसान हुआ, इसको सरकार ने मुआवजा देने की भी कोई बात अभी नहीं। कुछ नहीं करी सरकार, ना इसका सर्वे करवा रही है अभी, क्योंकि फसलें लेट भी हुई है और बाजरे की फसल बहुत बर्बाद हुई है, बाजरा ब्लैक भी होगा और वो जड़ भी गया तो अनाज तो खत्म हो गया, उसमें भूसा भूसा रहेगा, दाना जो उसका था वो पानी जैसे उसका लगा तो जड़ गया वो खत्म हो गया, दाना तो उसमें खत्म हो गया, बहुत फसलें बर्बाद हुई, धान की रिस्क की और लेबर बढ़ी, लेबर कॉस्ट बढ़ी, तो किसान को मुआवजा सरकार दे, उसके नुकसान की भरपाई करे, और फसलें अब लेट भी हुई है और जैसे ही फसलें लेट होगी तो फसल में कीड़ा आएगा दोबारा, जैसे सरसों की बुआई होगी या उसकी होगी तो ये 10-15 दिन जो लेट होगी तो इससे नुकसान होगा किसानों को। आपने एक बात कही थी किसान ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चीज चलाएंगे, टैंकर भर्ती होगा तो ट्रैक्टर तो उसको चलाना आता है, ट्रैक्टर चलाना सीख रहा, अगर मिलिट्री में भर्ती होगा तो टैंक चलाना सीख ले, अगर नहीं भर्ती हुआ यूथ जितने हैं वे ट्विटर चलाना सीख ले, ट्विटर भी टैंक का ही काम करेगा और टैंक सीमा पर लड़ेगा, ट्रैक्टर अंदर लड़ेगा और कलम से हमारा ट्विटर लड़ेगा, लड़ाई तीनों जगह से होगी मजबूत। आने वाले दिनों में किस तरह का आने वाले दिनों में संघर्ष होगा यहाँ पे इस देश में, या तो इनका तबीज पहन लो जो फूल है इनका, या तो तबीज लगा लगा जो यहाँ पे वो बचेगा, और या संघर्षशील आदि बचेगा, दो आदमी बचेंगे, या तो इनका तबीज पहनो तो जब बचेगा, जो कमजोर लोग होंगे वे तबीज पहन लेंगे। सरकार ने अग्निवीरों की जो भर्ती कर रहे हैं उस पर कुछ बच्चे एडमिशन फॉर्म भरे हैं, कुछ उन्होंने नहीं भरे हैं, उस पर क्या कहना है? और अग्निवीर में तो 4 साल लिखी, वो 3 साल उसे तैयारी करते होगा, 4 साल की नौकरी करेगी, पिताजी उसका ड्यूटी पर रहेगा, लड़का रिटायरमेंट हो जाएगा, बाबा लड्डू की दावत करेगा, कैसा लगेगा जब पोता रिटायरमेंट होकर आएगा, वो क्या करेगा फिर? और 25% जो बच्चे जाएंगे उनको शोषण होगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, चापलूसी बढ़ेगी अधिकारियों की, और ये अग्निवीर ये सब ये उसमें बनाएंगे, ज्यादातर किसान की बच्चे फौज में, किसान के बच्चे, पर ये 4 साल का जो किया है ये निर्णय लिया है इस पर आंदोलन नहीं होगा? आंदोलन तो हो तो रहा है, आंदोलन ही तो है, 4 साल की पहली भर्ती की खेप जब वापसी आ जाएगी तो वो ठीक ट्रेंड होगा आएंगे।